राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर से पहले फैसला सुना सकता है। इस बीच अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने और भगवान राम की प्रतिमा के निर्माण को लेकर योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में 7 बिंदुओं पर चर्चा हुई। दरअसल अयोध्या के पूरे विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 447.46 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया। बताया जा रहा है कि इस रकम का इस्तेमाल मीरापुर इलाके में 61.38 हेक्टेयर जमीन खरीदने में किया जाएगा। सरायू किनारे की जमीन में भगवान राम की 251 मीटर प्रतिमा लगाई जाएगी। प्रतिमा की स्थापना CSR से जुटाए गए बजट से की जाएगी। इसके अलावा बजट के इस पैसे का इस्तेमाल पर्यटन विकास, अयोध्या के सुंदरीकरण, डिजिटल म्यूजियम, इंटरप्रिटेशन सेंटर, लाइब्रेरी, पार्किंग, फूड प्लाजा, लैंडस्केपिंग और दूसरी पर्यटन की सुविधाओं के लिए किया जाएगा। सरायू के तट पर लगने वाली राम की प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि वह धार्मिक नगरी अयोध्या में भगवान राम की विशालकाय मूर्ति स्थापित करेगी। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के मुताबिक भगवान राम की मूर्ति 151 मीटर ऊंची होगी। मूर्ति के ऊपर 20 मीटर ऊंचा छत्र एवं नीचे कुल 50 मीटर का आधार होगा। इस प्रकार मूर्ति की कुल ऊंचाई 221 मीटर संभावित है। इसके अलावा आइए आपको कैबिनेट की बैठक में हुई 7 चर्चाओं के बारे में बताते हैं। नंबर 1, अयोध्या में सौंदर्यकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भगवान राम पर आधारित डिजिटल लाइब्रेरी, लैंडस्केपिंग, प्रतिमा और पार्किंग के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ। मीरपुर गांव में 61.3807 हेक्टेयर भूमि को खरीदने के लिए 440.46 करोड़ का प्रस्ताव पास। पर्यटन के नजरिए से वाराणसी कैंट क्षेत्र को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा। वाराणसी के सारनाथ स्तूप पर टूरिज्म पुलिस थाना बनाया जाएगा। टूरिज्म पुलिसिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो टूरिज्म पुलिसिंग को देखते हुए यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन या थाना बनाया जा रहा है, जिसको पर्यटक पुलिस थाना कह सकते हैं, मगर ये गृह विभाग ही चलाएगा। साल 2019 से 20 के लिए शीर नीति के निर्धारण पर फैसला। वर्ष 2019-20 के लिए सीरा नीति का निर्धारण। आबकारी राजस्व का लगभग 50% अंश देशी मदिरा से प्राप्त होता है। देशी शराब का उपभोग समाज के अल्प आय वर्ग द्वारा किया जाता है। इस वर्ग को गुणवत्ता तथा मानक युक्त वह देशी शराब सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। यूपी नेडा द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2017 के अंतर्गत 500 मेगावाट क्षमता के संबंध में प्रस्ताव पास। राज्य में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के की बृहत संभावनाओं के दोहन एवं ऊर्जा की मांग की पूर्ति एवं उपलब्धता के अंतर में कमी करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति 2017 प्रतिपादित की गई है। 28 विकास खंडों के चयन के लिए गठित कमेटी की सिफारिशों का एक बार फिर से सर्वे कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव।